सो गाइज हम स्टार्ट करते हैं हमारे ड्रामा पॉइजन लव एपिसोड 14 की। हम करते हैं गाइज कि आप हमारे इस वीडियो में 400 लाइक कर दो। अगर ये लाइक कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं उसी वक्त नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगी। तो फिर स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि मैंग फंग को कहता है कि उधर देखो। तो फिर फंग देखती है तो वो दिखाता है स्टार्स को और कहता है कि ये पूरी सिटी इस स्टार्स से जगमगाती है। तो फिर फंग कहती है कि मानना बड़ा मुश्किल है कि ये सारे चीज़ तारे करते हैं। तो फिर वो चिल्लाते हुए लेक गॉड को थैंक यू करती है इस जगमगाते तारे के लिए। लेकिन वो चंद मिनटों में अपसेट भी हो जाती है क्योंकि वहाँ पे स्नोफॉल्स नहीं हो रही थी। तो फिर शी मैंग लेक गॉड को चिल्लाता है कि प्लीज़ स्नोफॉल करा दो। तो फिर स्नोफॉल होने लगती है। तो फिर मैंग कहता है कि फंग मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा काम भरी थी, मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बिजी थी, तो फिर तुम मेरी लाइफ में आई और मेरे लाइफ में तुमने पूरी गंध मचा दी। तो फिर शी मैंग कहता है कि बट तुम एक दिन मुझसे दूर चली गई और तुमसे दूर जाने के बाद मुझे पता चला कि मेरी लाइफ कितनी मज़ेदार थी तुम्हारे साथ। और कहता है कि मुझे एक चांस दो और कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा देर हो गया तुम्हें बताने के लिए। तो फिर वो फंग का हाथ पकड़ के फंग को कहता है कि आई रियली लाइक यू। और उसके बाद फाइनली वो कन्फेस कर देता है। माशाल्लाह क्या सीन था यार वो। तो फिर हम देखते हैं कि ये जो स्नोफॉल हो रही होती है वो हाओ यिंग जुन और वेलिन मिलके कर रहे होते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि कुछ एम्प्लॉय ऑफिस के कुछ एम्प्लॉय कह रहे होते हैं कि मैं आज काफ़ी गुस्से में है और हाव उन्हीं लोग के साथ छुप के उन्हीं लोगों की बातें सुन रहा होता है। तो फिर उतने में क्लाइंट कहता है कि आज मैं काफ़ी गुस्से में है। तो हाव यंग जिन कहता है कि लगता है बंदा शर्मा रहा है, लेकिन वहाँ तो कुछ और ही हो रहा था। तो फिर हाव मैंग के पास गाना गाते गाते जाता है और कहता है कि कल हुआ था कि नहीं। तो फिर हम देखते हैं कि मैंग को कल वाले इंसिडेंट्स के बारे में याद आने लगता है जहां उसने फंग को प्रपोज किया होता है, लेकिन फंग ने बड़े मुश्किलात के साथ उसे कहा होता है कि मैं आपसे प्यार नहीं कर सकती और उसका हाथ छोड़ के वो वहां से रोते हुए जाने लगती है। तो फिर हाओ बार बार उससे सवाल करने लगता है तो मैंग उस पर एक कागज़ का टुकड़ा मुंह में फेंक देता है। तो मैंग बताता है कि फंग ने उसे मना कर दिया। तो हाओ कहता है कि अगर उसने कहा है कि वो तुमसे प्यार नहीं कर सकती तो ज़रूर उसके रास्ते में कोई परेशानी होगी। तो फिर मैंग उसे कहता है कि नए प्रोजेक्ट में काम करो। तो हाओ कहता है कि कहाँ है प्रोजेक्ट, तो वो कहता है कि तुम्हारे हाथ में। तो फिर हम देखते हैं ऑफिस के दो हंसों के जोड़े को, यानी कि दो एम्प्लॉय होते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे होते हैं। तो फिर मैंग वहाँ आता है और उन दोनों को देख लेता है और वो जाके उसे कहता है कि तुम लोग यहाँ काम करने आए हो या फिर फ्लर्ट। तो फिर हम देखते हैं कि उस लड़के के हाथ में कॉफ़ी गिर जाती है। तो मैंग उससे पूछता है कि तुम्हें दर्द हो रहा है, तो वो बताने में हिचकिचाता है। तो फिर मैंग डबल उसे वही क्वेश्चन करता है, तो वो बोलता है कि थोड़ा सा। तो फिर मैंग बोलता है कि तुम लोगों को कैसे प्यार हो जाता है, बोल के वहाँ से चला जाता है। तो फिर वो लड़की उस लड़के के हाथ को प्यार से साफ करने लगती है। तो हाओ कहता है कि ये सब घर में जाके करो, यहाँ नहीं चलेगा। और हम इधर देखते हैं फंग को जो अपसेट होके लेटी हुई होती है और सोच रही होती है कि मैंग ने कल उसे कहा था कि उसे कन्फेस करने में लेट हो गया और उससे एक चांस भी मांगा होता है और उससे अपनी फीलिंग भी कन्फेस की होती है। तो फिर वो सोचती है कि याओ ने उसे कहा होता है कि कोई भी लड़का एक्सेप्ट नहीं करेगा कि तुम किसी गैर लड़के के साथ इंटीमेट होगी। तो फिर डायरेक्टर का कॉल आता है। तो फिर डायरेक्टर कहता है कि तुम्हारी आवाज़ कैसी है,
तो फंगयांग कहती है कि सब ठीक है बट थोड़ी सी तबीयत खराब है। तो डायरेक्टर बोलता है कि मुझे अभी तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो फिर फंग कहती है कि अभी, तो डायरेक्टर कहता है हाँ। तो फिर हम देखते हैं याओ और यू को जहाँ पे फंग अपने रूम से निकलती है। तो याओ कहती है कि तुम उठ गई, आओ नाश्ता कर लो। तो फिर फंग कहती है कि नहीं मुझे जाना होगा, डायरेक्टर को मेरी ज़रूरत है। तो फिर फंग वहाँ से चली जाती है। तो फिर यू कहता है कि इनकी आँख तो पूरी रेड हो गई है। तो याओ कहती है कि पूरी रात भर रोई है। तो यू कहता है कि क्यों? तो याओ याओ कहती है कि तुम नहीं समझोगे, तुम अभी समझने के लिए बहुत छोटे हो। तो फिर हम देखते हैं कि यू याओ को कहता है कि अगर हाओ आपको कभी भी रुलाएगा तो मैं उससे हर्जाना लूँगा। तो फिर हम देखते हैं कि हाओ और मैंग एक मीटिंग में बैठे होते हैं जहाँ पे पूरी टीम बैठी हुई होती है। तो हाओ कैसे भी करके ये मीटिंग डिसमिस करता है, लेकिन मैंग उन लोगों को रोक लेता है। तो फिर मैंग वहाँ पे प्यार के बारे में टिप्पणी देने लगता है। तो वो लड़की कहती है जो सुबह में फ्लर्ट कर रही होती है कि सही कहा सही कहा। तो फिर वो उसी से क्वेश्चन कर लेता है। तो फिर डर के मारे वो लड़की कह देती है कि आज के बाद मैं काम के बीच में कभी भी फ्लर्ट नहीं करूँगी। तो फिर मैंग उसे कहता है कि बैठो, और उसके बाद मैंग इस मीटिंग को डिसमिस कर देता है। तो फिर हम देखते हैं कि बाहर फंग आई हुई होती है, और फंग मैंग को देख के गुड मॉर्निंग कह के वहाँ से चली जाती है। तो फिर हाओ वहाँ आता है और कहता है एक छोटी सी लड़की से डर गए? तो फिर शी मैंग कहता है कि मैंने तुम्हें बाहर आने को कहा, और कहता है कि अभी मैं तुम्हें डिसमिस कर दूंगा। तो वहाँ खड़े सभी लोग कहते हैं कि मैंग कितना टेम्पर है। तो हाँ उन लोगों को भगाता है वहाँ से। और हम इधर देखते हैं फंग और यी को जहाँ पे डॉक्टर सुई भी आता है, और वो कहता है कि अभी वो फंग को हैप्नोटाइज करेगा, और कहता है कि शी अगर उसका ट्रस्ट पा सकता है तो वो उसके पास जाएगी हैप्नोटाइज होने के बाद। तो फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर सुई फंग को एक छोटे से स्पिनर से हैप्नोटाइज कर देता है, और फंग के आँख के सामने कुछ धुंधला सा आने लगता है। तो फिर वो चलने लगती है, तो ये अपने बाहें खोल देता है, लेकिन वो उसके पास नहीं जाती। तो फिर डॉक्टर सुई स्पिनर बजा के फंग को हैप्नोटाइज से उठा देता है। तो फिर फंग पूछती है कि हैप्नोटाइज काम नहीं हुआ क्या मेरे ऊपर? तो शी कहता है कि मैं अपसेट हूँ कि मैं तुम्हें भरोसेमंद नहीं लगता। तो फंग कहती है कि आप मुझे लगते हो। तो डॉक्टर सुई कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, साइकोलॉजिकल इश्यूज होगा। और डॉक्टर कहता है कि अभी तुम्हारी कंडीशन कन्फ्यूज है। और हम देखते हैं कि शी और फंग ढेर सारे गिफ्ट लिए हुए होते हैं। तो फिर फंग कहती है कि आपने इतने सारे गिफ्ट क्यों खरीदे? तो वो दोनों एक नर्सरी में होते हैं जिस नर्सरी का नाम सनफ्लावर नर्सरी होता है। तो फिर वो दोनों अंदर जाते हैं, तो सारे बच्चे चिल्लाने लगते हैं कि बड़े भैया आए बड़े भैया आए, और कहते हैं कि शी 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 करके चिल्लाने लगते हैं। तो फिर शी कहता है कि मैं तुम्हें न्यू फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। तो फिर फंग अपना इंट्रोड्यूस कराने लगती है और कहती है तुम लोग मुझे मिस फंग कह सकते हो। तो फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे फंग और शी और सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा फन करते हैं। तो इधर हम देखते हैं कि फंग के पास उस नर्सरी की प्रिंसिपल आती है। तो फंग उससे पूछती है कि आज किसका बर्थडे है? तो फिर वो बताती है कि आज सारे बच्चे का बर्थडे है। तो फिर फंग कहती है कि सारे बच्चे का एक ही दिन? तो फिर प्रिंसिपल बताती है कि सारे बच्चे ऑर्फेन है। तो फिर वो बताती है कि तुम पहली ऐसी उसकी दोस्त हो जिसे वो यहाँ लाया है। तो फंग कहती है कि सच में? तो वो बताती है कि हाँ। तो फिर फंग यांग पूछती है कि आपने इन सारे बच्चों का बर्थडे आज ही क्यों मनाया? तो वो प्रिंसिपल बताती है कि हमें इनका बर्थडे नहीं पता था। तो फिर शी ने एक दिन इन लोगों का फिक्स्ड कर दिया, और कहती है कि वो हर साल इस दिन बर्थडे पार्टी मनाता है। और वो बताती है कि शी को कोई फर्क नहीं पड़ता आज के दिन वो कितना बिजी है, वो हर साल इस दिन यहाँ पे आता है।
तो फिर हम देखते हैं फंग को जो बबल बना रही होती है, तो वहाँ पे शी आता है, तो शी उसे बताता है कि वो भी अडॉप्टेड है। तो फिर वो कहता है कि तुम सरप्राइज नहीं हुई? तो फंग बताती है कि मुझे खुशी है कि आप अडॉप्टेड हो। और वहाँ पे उन दोनों की काफ़ी सारी बातें होती हैं। तो फिर हम देखते हैं मैंग को जो वार्म आउट कर रहा होता है, तो वहाँ पे हाव आता है, लेकिन मैंग हाव से एक भी बात नहीं करता, तो फिर हाव वहाँ से चला जाता है। तो फिर हम इधर देखते हैं फंग और यी को, जहाँ पे वो लोग एक ब्यूटीफुल से व्यू में घूम रहे होते हैं, जहाँ पे शी फंग को एक एयरपोर्ट देता है और उससे कुछ कहने वाला होता ही है कि हाव यूंग जुन का कॉल आ जाता है। तो फिर वो कॉल काट देती है, तो फिर से कॉल आ जाता है, तो वो कहती है ज़रूरी होगी, तो फिर वो उठा लेती है। तो फिर हाव बताता है कि मैंग का एक्सीडेंट हो गया, तो फंग की तो जान ही निकल जाती है और वो दौड़े आने लगती है, तो उसके पीछे यी भी होता है। और इधर हाव मैंग का कॉल ट्राई कर रहा होता है, तो यी और फंग दोनों हॉस्पिटल आते हैं और हाव से पूछते हैं कि शी कहाँ है। तो हाव कुछ कहता है कि एक पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा होता है, तो फंग उस थिएटर के बाहर खड़ी हो जाती है, तो ये कहता है कि शी जल्द ही ठीक हो जाएगा। तो गाइस उन लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि अंदर मैंग है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो फिर फंग चिल्लाते हुए हाव को कहती है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो हाव बताता है कि वो जिम जा रहा था और कहता है मेरी ही गलती थी, मुझे उनका पीछा करना चाहिए था, और कहता है कि वो ठीक हो जाएगा। तो फिर फंग को हर वो प्यारे इंसिडेंट्स के बारे में याद आने लगता है जो उसने मैंग के साथ बिताए होते हैं। तो फिर उतने दिन में डॉक्टर आता है, तो फिर फंग डॉक्टर से पूछती है कि वो कैसे हैं, तो फिर डॉक्टर कुछ ऐसा बताता है कि फंग हैरान रह जाती है। और गाइस इतने में हमारा 14 एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।